यार ट्रेन तो छोड़ो, ये तो मेरा लगेज ही गायब हो गया। Hey guys, how's it going? Lost in heaven here. और आज है नया दिन। मैं अभी भी हूँ लिवी में। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये था मेरा अपार्टमेंट पिछले दो दिनों से। थोड़ा सा एक्सपेंसिव, $25 हर दिन, लेकिन एज यू कैन सी आई हैव माई ओन स्पेस एंड अ प्लेस टू चिल अ बिट एंड वर्क अ बिट। ये था बेड सोफा, बेसिकली बेड नहीं है सोफा है, लेकिन एज अ बेड यू नो एज लाइक अ डबल बेड इट वर्क जस्ट फाइन। और ये था किचन और काफ़ी बढ़िया स्पेस था, वॉज वेरी गुड। बट आज है स्पेशल व्लॉग। आज हम दिखाने जा रहे हैं जो कि इंडियंस को सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है ट्रेन, यूक्रेनियन ट्रेन। जी हाँ, मैंने आज बुक की है लिवीव से लेके खारकीव, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है यूक्रेन की। तो यहाँ से हम जाएंगे सबसे पहले, तो ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, यहाँ से हम जाएंगे सबसे पहले तो कीव, वहाँ पे लगेंगे हमें 5 घंटे। हम वहाँ से ट्रांसफ़र करेंगे हम दूसरी ट्रेन में जो कि जाएगी खारकीव अगले 5 घंटों के लिए, और टोटल 11 घंटे 11 आवर्स 30 मिनट्स लगेंगे मुझे वहाँ पे पहुँचने में। स्लीपर क्लास नहीं है, नॉर्मल सिटिंग क्लास है, क्योंकि मुझको शाम को, रात में भी आप जा सकते हैं ओवरनाइट ट्रेन में भी, लेकिन वो काफ़ी धीरे जाती है, 18 से 20 घंटे उसमें लगते हैं, तो इतना टाइम क्यों वेस्ट करना, जिस पे टाइम है वो करेगा। पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से एक्चुअली बारिश हो रही है और अगले 1 हफ्ते तक भी ऐसे ही कॉन्सेप्ट रहने वाला है बारिश का, तो मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, लिवीव इतना देख नहीं पाया। वैसे भी शहर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो 2 दिन में बेसिकली आप सब कुछ देख सकते हैं। मैं रहा हूँ 4 दिन। तो गाइज अब हम पहुँच गए लिवीव के ट्रेन स्टेशन में। ये है ट्रेन स्टेशन, मैं आया ट्रैम से आ सकते हैं, बस से आ सकते हैं, वैसे तो ट्रैम चलती है मेन सिटी सेंटर से, तो वैसे दैट इज़ फाइन। और मैं देख रहा था ट्रैम जर्मन है, क्योंकि कुछ कुछ जर्मन वर्ड्स उसमें लिखे हुए थे, तो मोस्ट लाइकली सेकेंड हैंड ली होगी जर्मनी से। बात दिस हेयर इज़ द ट्रेन स्टेशन। अब हम जाएंगे अंदर, ढूंढता हूँ मैं अपनी ट्रेन, होपफुली सीधा साधा प्रोसेस हो, बट लेट्स सी। तो गाइज मैंने अपना लगेज छोड़ दिया है, लगेज ले बेसिकली अब ट्रेन से जाएगा, क्योंकि ईजियर 35 grievances दिए, तो अराउंड $1 से थोड़ा सा ऊपर टिकट के ऊपर देना पड़ा, बट इट्स फाइन, बैग आराम से वहाँ पहुँच जाएगा, सो दैट शुड बी ग्रेट। सो गाइज ट्रेन है लेट, अराउंड 20 मिनट लेट, ठंड में खड़ा करवा रखा है, 14 डिग्री हो रखा है आज टेम्परेचर। बेसिकली आप कंपार्टमेंट भी चेंज कर सकते हैं, होपफुली आवाज़ आ रही होगी। ये ट्रेन में सिर्फ सेकंड क्लास है, उसके लिए मैंने दिए अराउंड $382, जो कि है लिवीव से लेके खारकीव। जैसे कि 13 घंटे का सफ़र है, तो $28 ठीक है ट्रेन के लिए, और ये फास्ट ट्रेन है, तो ये बीच में ज़्यादा रुकती नहीं, इसलिए काफ़ी तेज़ है। इट्स फाइन, प्लग भी है, तो अगर आपके पास अपना लैपटॉप वगैरह है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, तो इट्स प्रीटी नाइस। इतनी भीड़ अभी नहीं है कीव से, क्या पता भीड़ ज़्यादा हो। दूसरी ट्रेन में जो मैं जाऊँगा वो होपफुली मेरे को मिल जाए, क्योंकि ये वाली लेट है। बेसिकली टिकट आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर ट्रेन स्टेशन से टिकट खरीद सकते हैं, बट बेटर बुक इट ऑनलाइन बिकॉज इट्स ईजियर, क्योंकि आपको पता रहता है कि कौन सी सीट लेनी है, और सीट आप बेसिकली चूज़ कर सकते हैं एयरप्लेन जैसा हिसाब रहता है, सो आई प्रेफर दैट। सो गाइस
गाइस, वी आर इन कीव, लेकिन आधे घंटे लेट है। मेरी ट्रेन शायद निकल गई होगी। अब है सबसे बड़ा पंगा ये ढूंढने का कि दूसरी ट्रेन कब जाएगी। सो लेट्स सी। यार ट्रेन तो छोड़ो, ये तो मेरा लगेज ही गायब हो गया। पता नहीं किधर से लेना है। इन्होंने बोला अंडरग्राउंड, अंडरग्राउंड को बोल रहे है नहीं। ऑलराइट गाइस, ग्रेट स्टोरी टू टेल। जो लगेज मैं लिविव में छोड़ के आया वो ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं है, वो लगेज स्टोर करने के लिए है। मैं कीव में आ गया हूँ और बेसिकली मेरे को वापस लिविव जाना पड़ेगा लगेज लेने, बिकॉज आई एम स्टूपिड। मेरे को मेरी खारकीव में बेसिकली होटल भी बुक था, वो भी शायद देखते हैं कैंसिल हो पाता है, शायद ना कैंसिल हो पाए, क्योंकि एटलीस्ट एक दिन के पैसे तो वो काटेंगे ही। तो लेट्स गो टू लिविव अगेन। 7-8 बजे की ट्रेन है, लेट्स डू इट। तो भाई लोग, मैंने खड़े खड़े अभी टिकट बुक कर ली है $10 की, और ट्रेन मेरे पीछे ही खड़ी है। बेसिकली 7 बजे की जानी है अभी, 7:06। तो ऑनलाइन का ये फ़ायदा है, फटाफट टिकट बुक हो जाती है। वैसे तो मैं स्टेशन से भी ले लेता, लेकिन अब चलो रात में 2 बजे पहुँचेंगे उधर, और फिर 3 बजे की वापसी की ट्रेन है। सो यही करते रहूँगा मैं आज, ट्रेन ट्रेन खेलेंगे पूरा रात भर, पूरा दिन भर है एक्चुअली। बेवकूफ़ी तो हो गई, क्योंकि सच में मैंने नहीं देखा था कि लगेज मुझे लगे एयरपोर्ट जैसा होगा, या आप लगेज वहाँ पर छोड़ दो और ट्रेन में वो डाल देंगे। देखिए मेरे को लगा कि जब ट्रेन रुकी ना तो कोई लगेज डालने नहीं आया, मुझे लगा क्या पता कोई एडवांस सिस्टम होगा लाइक इन द एयरपोर्ट और, बट नो, दैट वाज नॉट द केस। इट्स अ स्लीपर क्लास, सो दे हैव डिफरेंट क्लासेस। This is the second class, and then you have first class, and then there is a third class as well. And difference itna zyada nahi hai second class or third class mein in terms of price. Now till Lviv, I will reach at night at 2:00, and then I have a train back to Kiev at 3:00 or 3:30 or something. But that's the fast one. I will be in Kiev at 9:00 in the morning. So guys, raat ke 3 baj rahe hain. Lviv pahunch gaya wapas. मैंने अलार्म लगा रखा था लेकिन बंदा एक उठाने आया, तो दैट्स गुड। लेट्स सी नाउ, बैग लेते हैं अगर मिलता है तो। गुड मॉर्निंग गाइस, day 2। आज है 15 तारीख और सुबह हो रही है, और मैं अभी अभी उठा, अभी ब्रश किया, एंड वी आर अबाउट टू रीच कीव। स्लेप्ट फाइन, बट काफ़ी कम सोया क्योंकि 2 ट्रेनें चेंज की थी रात में 3-4 बजे। अच्छी लाइट नहीं थी तो मैं ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाया, बट नाउ आई एम इन कीव। उसके बाद मेरी ट्रेन है खारकीव के लिए 1 बजे। पहुँच गए इस बार और मेरे लगेज के साथ, सो समथिंग। पिछली कल रात को लगेज के बिना पहुँच गया था, बट ऑलराइट, आई हैव माय लगेज विद मी। अब 3 घंटे के बाद ट्रेन है, बस भी है, लेकिन बस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि 7 घंटे में बस पहुँचाएगी, उससे अच्छा आप ट्रेन लेके जाइए सिर्फ 5 घंटे में सीधे। मास्क, यार मेरा मास्क इधर गया। तो आप सबसे पहले तो ये करते हैं कि लंच या फिर ब्रेकफास्ट करते हैं। KFC है बगल का, चिकन खाते हैं थोड़ा। Thank you.
Looks like new. ये तो काफ़ी नई नवेली ट्रेन है, दैट्स गुड. लेकिन तेज भी है, 5 घंटे में खारकीव. नॉर्मल बस नॉर्मल ट्रेन में जाएंगे तो अराउंड 10 घंटे और बस में अराउंड 8 आवर्स. So guys, at last I reached Kharkiv. एक दिन की जर्नी 2 दिन में was a bit difficult, but at last I'm here. That's the most important part. So this was the great Ukrainian railways blunder. Hopefully आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. इसके ज़रिए एटलीस्ट मैंने डिफरेंट ट्रेन देख ली यूक्रेन में. If you liked it, give it a share, subscribe and comment on it. और मैं आपको मिलूँगा मेरी अगली वीडियो में. देखेंगे Kharkiv और इसके बारे में बताऊंगा, बेसिकली मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ वो भी बताऊंगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग जगह हो सकती है. वी विल सी इट. बट टिल देन हैव अ ग्रेट डे.